क्लास है, आप लोगों की क्लास की भी क्लास है। इंफीरियर नेदल कंका एक सेपरेट बोन है, ये सुपीरियर नेदल कंका, ये मिडिल नेदल कंका, और ये दोनों है दीज आर पार्ट ऑफ इथमाइट बोन। ये एक अलग से बोन है, पूरी बोन है इंफीरियर नेदल कंका, लेकिन ये जो सुपीरियर मिडिल नेदल कंका है ये इथमाइट बोन के पार्ट है। ये स्फिनॉइड साइनस नज़र आ रहा है किसी इंसान में, हर इंसान में कोई एक बड़ा होता है। इस वाले सरकटे में, इस हेड एंड नेक मॉडल में, याद करने के लिए बताता हूँ प्यार से, मैं इसको सरकटा कहता हूँ। और एक ओरिजिनल भी रखा हुआ, वो भी दिखाऊंगा आपको, रखा हुआ है वहाँ पे। हाँ हाँ, ओरिजिनल दोनों मिलाएंगे तो चेहरा पुनः बनेगा, अलग करेंगे डेड बॉडी का, वो भी करा दूंगा बाद में, पहले ये तो कर लें। और ये पिछोटी ग्लैंड है और ये पिछोटी स्टॉक, सही उसमें दिख रहा था पिच्योटी ग्लैंड, पिच्योटी स्टॉक, हाँ उसमें भी दिख रहा था सही। अच्छा, ये पूरा फेरिंग्स का एरिया हो गया, बिहाइंड द नोज नेदर फेरिंग्स, यहाँ से यहाँ तक सही। कोई ना, ये वाला भी पोर्शन होगा ना पोसिलियो, जो नेदर लपट जो खुल रहा है नेदर फेरिंग्स में, कोई नहीं जिसको कहते हैं इस वाले एरिया को। अच्छा, फीचर्स क्या क्या मिले? हाँ बोलो। नेजो फेरिंग्स और ओरल फेरिंग्स के बीच में जो होगा, नहीं नेजल कैविटी है नेजो फेरिंग्स। अब भाई नेजो फेरिंग्स है ना, ठीक है, ओरल फेरिंग्स तो नीचे आएगा, वो अलग चीज़ है, कोई ना यहाँ पे, ठीक। अच्छा, ये ट्यूबल टॉन्स, वो सॉरी ट्यूबल टॉन्स तो बाद में, ट्यूबल ओपनिंग से यूस्ट्रेशन ट्यूब आ रही है, कहाँ से? मिडिल ईयर से आ रही है। इसके अपर मार्जिन में यहाँ पे भी, अगर मैं येलो कलर कर देता, इन्होंने इस मॉडल की मिस्टेक है, यहाँ कर देता तो वो ट्यूबल टॉन्सिल होते, वो इस जगह पर होते हैं, ठीक है। ये नेदो फेरिंजियल टॉन्सिल है, ये अनपेयर्ड है ट्यूब, दो तीन दोनों तरफ की लेटर बॉर्न में, वो पेयर टॉन्सिल्स है, ट्यूबल टॉन्सिल पेयर टॉन्सिल्स। तो नेदो फेरिंग में दो टॉन्सिल है, एक अनपेयर्ड और एक पेयर्ड, एक अनपेयर्ड और एक पेयर्ड। इसको ENT वाले एडिनोइड कहते हैं, और इसकी इन्फ्लेमेशन को कहते हैं एडिनोइडाइटिस, एडिनोइडाइटिस। ये पूरा मैंने ENT का भी लेक्चर ले लिया, सही। अब क्या करेंगे, इसमें प्रॉब्लम होगी तो सर्जरी करके इसको निकाल बाहर करेंगे, इतनी सी बात है। वो जो आमतौर पे टॉन्सिल्स होते हैं वो ये नहीं है, वो छोटे बच्चे पीडियाट्रिक्स का है। अच्छा, पीडियाट्रिक्स एज वेल एज ENT का ये कराया। अब वो आऊँगा ENT का, जो नॉर्मली हम जो निकालते हैं वो पैलेटाइन टॉन्सिल ऑरोफेरिंक्स में मौजूद है। ऑरोफेरिंक्स कहाँ से कहाँ था कि यूवेला की लोअर मार्जिन ले लें, एपिग्लॉटस जो कि कार्टिलेज ऑफ द लैरिंग्स है उसकी अपर मार्जिन, इसके दरमियान ऑरोफेरिंक्स। ऑरोफेरिंक्स में क्या है, ये टॉन्सिल्स हो गए, टॉन्सिल कहाँ रखे हुए हैं, टॉन्सिलर फोसा ENT के लिहाज से, आगे एंटीरियर टॉन्सिलर पिलर होगा, पीछे पोस्टीरियर टॉन्सिलर पिलर, ये ENT के लिहाज से। हमारे लिहाज से क्या है, ये पलेटो ग्लॉसल फोल्ड है, ये पलेटो फेरिंजियल फोल्ड है। दोनों फोल्ड जो पिलर हैं वो टॉन्सिलर फोसा के पलेट से के किसी फोल्ड से बन रहे हैं, अंदर अंडरलाइंग पलेटो ग्लॉसस मसल है, एक्सटेंसिव मसल द्वारा टंग पलेटो फेरिंजियल मसल ऑफ द फेरिंग्स में आ जाता है। तो इस वजह से इसको क्या कहते हैं, पैलेटाइन टॉन्सिल। क्यों कहते हैं पैलेटाइन, क्योंकि इसके पिलर भी पलेट से रिलेटेड हैं, तो पैलेटाइन टॉन्सिल कह रहा है। ये निकाले जाते हैं आमतौर, जब मुंह खोल के देखते हैं ना वो यही होते हैं। ये टंग हो गई, ओरल कैविटी हो गई, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द टंग इज लिंगुअल टॉन्सिल, ओरल कैविटी में भी एक टॉन्सिल है। ओरोफेरिंग्स में एक पेयर टॉन्सिल रखा हुआ है, ओरल कैविटी प्रॉपर के अंदर लिंगुअल टॉन्सिल, पोस्टीरियर 1/3 ऑफ द टंग अगेन 2/3 और 1/3 की साइज, तो इस नेचर में कोई है कोई बात नहीं इसके अंदर भी। तो 1/3 जो है पोस्टीरियर, 1/3 जो है वो लिंगुअल टॉन्सिल है जो कि अनपेयर्ड है, ठीक है। अच्छा, चार हो गए, यही चार होते हैं, दो अनपेयर्ड और दो पेयर्ड, नेदोफेरिंग्स में दो, ओरोफेरिंग्स में एक और ओरल कैविटी में एक, ठीक है। अच्छा, नीचे और आए तो ये लैरिंजोफेरिंग्स का अपर मार्जन, और ये इट इज़ द सेकेंड नैरो मोस्ट पॉइंट ऑफ GIT। लैरिंजोफेरिंग्स तो है लेकिन नीचे से एसोफेगस शुरू हो रहा है, अपेंडिक्स के बाद अदर दैन अपेंडिक्स इट इज़ द नैरो मोस्ट पार्ट। कहीं लिखा चुका है द जंक्शन बिटवीन लैरिंजोफेरिंक्स एंड एसोफेगस, नीचे ए में लिखा हो, इज द नंबर वन नैरो मोस्ट पार्ट, वो नहीं करोगे, इट इज़ द नैरो मोस्ट पार्ट ऑफ द GIT एक्सेप्ट अपेंडिक्स, तो वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन यहीं से तो बनते हैं, और कहाँ से बनेंगे, या वाई में पूछ लूँ, नैरो मोस्ट पार्ट ऑफ द GIT क्या आपका अपेंडिक्स, मैं दूसरा बताओ इस सेमेस्टर के लाते, आप इस जंक्शन को बताओ, जंक्शन बिटवीन लैरिंजोफेरिंक्स एंड एसोफेगस। पेपर भी आउट हो रहा है, वाइवा भी आउट हो रहा है, पढ़ लो बस, इतनी सी मेरी देती जाए, इस वीडियो को देख के ही पढ़ लो काफ़ी है, इतनी लर्निंग है ENT में भी काम आई। अच्छा, आगे आते हैं सर्वाइकल वर्टेब्रा, C1 बॉडी लेस है, बॉडी नहीं होती, C2 C3 C4 C5 C6 C7 और ये इंटरवर्टेब्रल डिस्क हो गए। अब सवाल है बॉडी लेस है तो फिर फंक्शन ही कैसे होगी, बॉडी के बगैर एक सेटिंग कैसे बनती, सेटिंग के लिए नेचर ने क्या किया, C2 के अंदर उसका टूथ लाइक प्रोसेस बढ़ा दिया, जो डांस कहलाता है ये अडनटॉइड प्रोसेस, क्या कहलाता है C2, ये C1 की वाली है, ये रिंग शेप होती है, रिंग अगर मैं अंगूठी निकाल के दिखाऊँ ना वो और ये सी है। बस इसकी कसर रह गई थी वो भी पूरी हो। चल, अच्छा इसका फ़ायदा है,
इस प्रोसेस का फायदा है, हम हाँ कर रहे हैं हाँ पे तो हिले, और जो हम नहीं कर रहे हैं ना वो इस जगह पे कर रहे हैं। अच्छा, जो नहीं कर रहे हैं ना इसका फायदा है, ये पढ़ेंगे। और सर ये अगर जैसे स्पॉटिंग में जैसे इस पे ये फोर लिखा हुआ है तो हमें सिर्फ ये लिखना होगा फर्स्ट सर्वाइवल वर्टिकल। अगर इस पे टेप लगा हुआ है ना, तुम बहुत तेज जा रहे हो माशाल्लाह से, ये स्पॉटिंग भी आउट करना चाह रहा है लेकिन मैं कर रहा हूँ, चलो ठीक है सी टू करो, इस पे टेप लगाओ। फर्स्ट पे तो लगाऊंगा नहीं, इतने चुके चुके टेप नहीं होते, हाँ पेन होती है स्पेशल पेन आती है वो लगाओ, उस पर झंडा लगाओ, झंडा डंडा और ये हो गया लैरेंजल कैविटी। इसमें क्या तीन पार्ट्स होते हैं, ये वाला वेस्टिब्यूल होगा अगेन दाखिल होने वाला, हर रास्ता वेस्टिब्यूल होता है, वेस्टिब्यूल बहुत सारे से ईयर में पड़ा, एक वेस्टिब्यूल नोज में और एक तीसरा वेस्टिब्यूल, अभी किसी और को नहीं बताया, अभी मैंने आप लोगों को चले बता दिया, ये बिटवीन कॉर्ड्स एक एरिया और एक ये वाला एरिया, ये बाद में बात करेंगे। नहीं इसका आप क्या बता रहे थे, अगर इस अगर ये 1 2 3 4 किया हुआ है, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, यहाँ पे कहीं 1 लिखा हुआ है, ये फ्रंटल साइनस है, ये स्फिनॉइड साइनस है, ये छोटा दिमाग है। अच्छा अभी हम देखते हैं, ये बड़ा दिमाग सेरेब्रम सेरेबेलम बैल बज रही है, यहाँ पे लाठी चार्ज करते हैं तो क्या होता है, बंदे का बैलेंस बिगड़ जाता है, वो पुलिस वालों के लिए फ़ायदेमंद हो जाता है, काबू पा लेते हैं मुंतशिर लोगों के ऊपर, ठीक है मतलब काम आएगा ना, गुद्दी के आगे यही होता है छोटा, इसीलिए गुद्दी मार चांटा मना करते थे बड़े जो बुजुर्ग करते थे। और इसके अलावा क्या मिल रहा है ब्रेन के पार्ट्स के लिए बात करें तो फोर ब्रेन में ये सेरेब्रल हेमिस्फीयर है। अच्छा तारिया ने पूछा तो मैंने बता दिया, ये कॉर्पस कैलोजम है, ब्रेन को भी ना नो हाउ रखना है राइट लेफ्ट क्या हो रहा है, फिर ये मैं जो साथ साथ कर रहा हूँ, ये जो कर रहा हूँ साथ साथ, ये जो कर रहा हूँ साथ साथ, ये कैच पकड़ रहा हूँ, कोऑर्डिनेशन चाहिए तो कोई ट्रैक्स को नो हाउ दोनों तरफ की होनी चाहिए, और ये बड़ा दिमाग है तो ये कॉर्पस कैलोजम, और जैसे कोई ट्रैक इधर से उधर ज़्यादा डिकासेशन थी ना, यहाँ पे इसको कहते हैं कमीशर, सबसे बड़ा कमीशर, जो कमीशनर से याद रखना कमीशर, मैं तो ऐसे ही याद किया कमीशर, द ग्रेटेस्ट सेरेब्रल कमीशर इज कॉर्पस कैलोजम। और ये पता चल गया ना, बहुत कुछ पढ़ लेंगे, ये कैलोजल सल वो है सल्कस है ये कैल, बहुत सारी चीज़ें वो आगे की बात है, एक बेसिक समझ में आ जाए ठीक है। अच्छा इसके अलावा हाँ ब्रेन स्टेम की बात करें तो ये मिड ब्रेन है, ये पोन्स है, ये मेडुला ऑब्लॉन्गेटा, स्पाइनल कॉर्ड से ऊपर मेडुला ऑब्लॉन्गेटा, ये पोन्स है और ये मेडुला ऑब्लॉन्गेटा, ये मेडुला ऑब्लॉन्गेटा है, ये मिड ब्रेन है। मिड ब्रेन को कैसे पकड़ते, थर्ड वेंट्रिकल की कैविटी ओपन हुई हुई यहाँ पे, फोर्थ वेंट्रिकल नजर आ रहा है, इन बिटवीन देम जो सेरेब्रल एक्विडक्ट, मिड ब्रेन इतना सा अल्लाह का शुक्र अदा करो, ज़्यादा होता तो पूरा पढ़ते रहते, इसके लिए भी 2-4 चैप्टर हो जाते, मैंने शुक्र अदा किया था, मैं भी स्टूडेंट था एक दफ़ा, मैंने भी शुक्र अदा किया कि अल्लाह आपने बहुत छोटा सा रखा, शुक्र है आप मालिक, इसके बारे में भी लिखा हुआ, आपकी गट फीलिंग आजकल यही है वैसे सर, और ये दो हैं फाइज, गट फीलिंग स्टूडेंट की यही होती है ना, मेरी भी थी तो आपकी भी, दो जो ऊपर वेंट्रिकल होते हैं वो इसके अंदर है। हाँ तुम ज़्यादा बताओगे मैं वो भी पढ़ा दूंगा, मैं आज नहीं पढ़ा रहा हूँ किसी और दिन, हाँ इतना नजर आ रहा है वो इसके अंदर है ठीक है, फिर कभी बात करेंगे। और साइनस ये भी जोटिक ग्लैंड उसकी स्टाक उधर भी नजर आते, इधर भी नजर आते, और साइनस ये देखो ये पढ़ा के रहेगा ये वो सर, अब टाइम एक ही दफा।